वजह से एक्सवाट नहीं बुला सके। अपने मरीज को ठेलिया में लेकर इलाज के लिए पहुंचे रीवा के संजय गांधी अस्पताल। रीवा शहर के वार्ड नंबर 1 निपनिया से दवा की मरीज है वृद्धा। मोबाइल ना होने की वजह से 108 नहीं बुला सके। अपने मरीज को ठेलिया में लेकर इलाज के लिए लेकर पहुंचे हैं रीवा के संजय गांधी अस्पताल। रीवा शहर के वार्ड 1 निपनिया से दमा की मरीज है वृद्धा। मोबाइल नहीं था, पड़ोसियों से मांगने का समय नहीं था, पड़ोसियों ने दिया भी नहीं, इसलिए ठेले में हमने अपने मरीज को रखा और पहुंच गए संजय गांधी अस्पताल। ये कहना था संजय गांधी अस्पताल ठेले में रखकर अपने मरीज को लाए परिजनों का। वृद्ध की हालत काफ़ी ख़राब थी, उन्हें दमे की बीमारी थी, परिजनों के पास मोबाइल नहीं था। परिजन रीवा शहर के ही वार्ड 1 निपनिया के रहने वाले थे। अस्पताल परिसर पहुंचने के साथ ही अस्पताल के स्टाफ ने ठेले से वृद्ध को उतारा, स्ट्रेचर में रखा, अस्पताल के अंदर पहुंचा दिया इलाज के लिए। फिलहाल वृद्धा का उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा था। लेकिन आज के आधुनिक युग में चंद लोग ऐसे भी हैं जो प्राचीन काल में ही जी रहे हैं, फिर इसे आप उन्हें उनकी मजबूरी कहिए या फिर कुछ और, ये आपको तय करना है। वहीं पड़ोसियों के पास मोबाइल तो होगा, उन्होंने ठेले में वृद्ध को ले जाते भी देखा होगा, फिर भी उन्होंने 108 बुलाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं दूसरी ओर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया उस वृद्धा ने ठेले में, रीवा शहर के लोगों ने भी देखा होगा। निपनिया से संजय गांधी अस्पताल की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर, घनी बस्ती, घनी आबादी वाला इलाका, हर 10 मिनट में जाम की स्थिति। निश्चित रूप से रीवा शहर के लोगों की नज़र उस ठेले पर पड़ी होगी, उस वृद्धा पर पड़ी होगी, लेकिन किसी ने भी मानवीय गुणों का परिचय नहीं दिया। साफ तौर से ऐसा कहा जा सकता है रीवा शहर की संवेदनशीलता खत्म हो गई या कुछ और है, इसे आपको तय करना है। निपनिया से क्या हो गया इनको? ये दम की बीमारी है, कुछ भी नहीं करा आपको। ये सर दो गाड़ी आपको एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं मिली, वो कहा है कि मोबाइल नहीं रहा, कैसे हम काम करें? आसपास के लोगों ने भी मदद नहीं की? नहीं। नई और ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।